किस चीज के लिए तैयारी की जा रही है? ये हर साल की भांति सन 2017 से लेकर अभी तक ये जो दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मनाया जा रहा है अयोध्या में, ये चार साल से लगातार हो रहा है, आपकी पांचवा साल है। और ये सब जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे आपको दिखाई जा रही हैं, ये एक झांकी जो सचल वाहन प्रदर्शनी जिस पर राम जी के जो है 11 प्रसंग को लेके यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो कि ये झांकियाँ हमारे साकेत से 3 नवंबर को साकेत से लेकर ये राम कथा पार्क तक जाएंगी। अच्छा, जो ये झांकियाँ दो झांकियाँ हैं, ये 11 प्रसंग आधारित होती हैं। जैसे शुरुआत होती है हमारे पुत्रेष्ठी, या जैसे जब भगवान राम पैदा हुए थे तो पुत्रेष्ठी किया गया था, उसके बाद गुरुकुल शिक्षा है, उसके बाद राम वनवास है, राम वनगमन है, और उसके बाद अहिल्या उद्धार है। इस तरीके के लेके 11 प्रसंग हैं। जो लास्ट में हमारा जो प्रसंग होता है वो होता है राम दरबार का, जब राम जी को आ जाते हैं, राज्याभिषेक होता है उनका, तो राम दरबार बनाया जाता है, वो हमारी आखिरी झांकी होती है। जिस तरह आप अयोध्या, अब पिछले 4 साल से तो हम लगातार कर ही रहे हैं, और अयोध्या का मुझे लगता है कि अयोध्या का हर वासी, अयोध्या का हर आदमी तो हम लोगों से भली भांति परिपूर्ण है, वो जानता ही है। और क्योंकि झांकी जब निकलने के 1-2 दिन पहले का होता है, यहाँ अलग ही मंजर होता है, लाइटिंग होती है अंदर, स्कूल कॉलेज के अंदर लाइटिंग्स होती हैं, यहाँ पे पब्लिक आती है, झांकियाँ बनते हुए देखती है, सेल्फी लेती है, खिंचते हैं। अब आप उसके बाद खुद ही जब आप अगला जब स्टोरी करेंगे तो उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि जो है अयोध्या वासियों को कितना उत्साह रहता है। जब हम लोग यहाँ से जब गाड़ियाँ निकालते हैं तो फूल रास्ते में, फूल मालाएँ सब फेंकी जाती हैं, सब राम जी के दरबार में सारी चीज़ें चला करती हैं। क्या क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम मनीष द्विवेदी है, मैं लखनऊ से हूँ।